हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वर्डप्रेस की क्लासेस चल रही हैं और मैं आपके सामने क्लाइंट डिमांड पर एक प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूं। दोस्तों दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे नॉन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सक्सेसफुली हेडर जो सेक्शन होता है, टॉप हेडर और जो कस्टम हेडर का ऑप्शन होता है, वो कंप्लीट कर लिया था। आप लोग देख सकते हो लाइव है। अब मेरा जो बनाने का मन है वो हेडर का है, फुटर का है सॉरी। फुटर सेक्शन को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों क्लाइंट एंड पे, यानी कि क्लाइंट का जो फुटर का सेक्शन है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है फिक्स के अंदर। तो इसको कैसे हम लोग वर्डप्रेस में बनाएंगे, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ और यहाँ पर जो डिवी के थीम बिल्डर के अंदर आपको यहाँ पे एड ग्लोबल फुटर, क्योंकि मैं फुटर सेक्शन को भी ग्लोबली क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि बार बार मुझे उसको रीयूज ना करना पड़े, रिक्रिएट ना करना पड़े। और आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो अगेन बैकग्राउंड कलर पिक करना है, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पिक कर रखा है। ये फोटोशॉप है दोस्तों, आपको अगर वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है तो फोटोशॉप की भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और मैं अब यहाँ पर सेक्शन लेने वाला हूँ, और सेक्शन पर भी मैं यहाँ पे ये सेक्शन लूंगा और इमेजेस पिक करने वाला हूँ, और अगेन लोगो पिक करूंगा क्लाइंट का जो है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर मैं मेन्यू सेक्शन क्रिएट करने वाला हूँ जो कि मैंने पहले से ही ले रखा है, और इस मेन्यू सेक्शन को नहीं लेते हैं। मैं एक काम करूंगा, अभी अभी मैं आपको बताऊंगा मैं क्या शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं, और मैं इसका जो स्पेसिंग है दोस्तों वो 0 करने वाला हूँ, जैसे कि वो ठीक हो जाए, आप लोग देख सकते हो। और इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके इसको एग्जिट कर लेंगे। अभी मैं मेन्यू सेक्शन मैंने ऑलरेडी बना लिया है, आपने देखा था ना हेडर सेक्शन में ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास। जब क्रिएटेड है तो दोस्तों बार बार मेहनत नहीं करना है, उसको रीयूज कैसे करते हैं वो चीजें सीखने वाले हैं। देखो कैसे सीखते हैं, क्योंकि डिवी जो मैं वेबसाइट जो बनाता हूँ वो डिवी थीम में बनाता हूँ, और जो डिवी थीम है ना दोस्तों वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप इसके अंदर बहुत आसान तरीके से एक अच्छा खासा वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हो। अगर वर्डप्रेस की बात आती है तो डिवी थीम के साथ ही मैं प्रेफरेंस करता हूँ, यानी कि आपको भी डीवी थीम में ही वेबसाइट बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये जो थीम था ये मैंने साले यूज कर लिया था, अब मैं इसको रीयूज कर रहा हूँ, यानी कि इसकी लाइब्रेरी में मैं इस मॉड्यूल को जो मैंने डिजाइन किया इसको सेव कर ले रहा हूँ, और इसको फिर मैं रीयूज कर लूंगा आसानी से। आप लोग देख लो, मैंने इसको रीयूज कर लिया है और एड टू कैटेगरी कर लिया है, सेव कर दिया है, कुछ नहीं करना। और सिंपल अब मैं फुटर में उसको यूज करने वाला हूँ, यानी कि मेरी जो दोबारा मेहनत है कि कलर कौन सा लेना है, बैकग्राउंड कलर कौन सा लेना है, कलर का फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, उन चीजों से मुझे राहत मिलने वाली है। तैयार है मेरा, यानी कि ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मुझे टेक्स्ट लेना है, और टेक्स्ट के अंदर सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है मुझे, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ये चीजें कॉपी कर देनी है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कॉपी भी कर दिया है ऑलमोस्ट। और इसका भी जो मेरा कलर है वो गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर यानी कि ये कलर है, मैं इसको पिक कर लेता हूँ, और इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम लोग, यानी कि इसको भी मैं अवीरा फॉन्ट ही रखने वाला हूँ। और इसका जो कलर है मैं यही रखने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे।
राइट हैंड पे ये है, ठीक है, राइट हैंड पे इतना ही काफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मेरा मेन्यू कलर कंप्लीट भी नहीं है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना तब वो ठीक लगेगा। कुछ इस तरीके से है, और मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसका जो स्पेसिंग मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। अब देख रहे हो ना यहाँ पे, ट्वेंटी फाइव कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। एग्जैक्टली, शायद अब ठीक है मेरे हिसाब से, ये ठीक है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है, और मैंने इसको कर लिया है जहाँ तक हो सकता है। का जो लेआउट है, मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट करा था तो इस तरीके से आ रहा था, लेकिन मैंने इसको सेंटर ही रहने दिया है, और उसके बाद कर लेंगे बाकी का सेटिंग बाद में कर लेंगे। फिलहाल फुटर सेक्शन भी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीटेड है, देख लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हेडर और फुटर सेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। थोड़ा फॉर्मेटिंग की दिक्कत है, जब मैं मेन्यू बार क्रिएट करूंगा ना तो ये जो अभी यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये अलाइंसमेंट जो लेफ्ट आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। अगर नहीं होगा तो फिर से चेंजेस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये ठीक है, कंप्लीट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग फुटर सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, इवन इस वेबसाइट की तरह ही नहीं, जो आप अपने मन से अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का वर्डप्रेस वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे नॉन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाले हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।